उसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो सेकंड फिल्म साइन करने का कॉन्फिडेंस सिर्फ शाहरुख में ही था फिर से? दूसरों एक और साहब थे जिनका नाम अपने द लेट मिस्टर रुपेश कुमार, वट एवर इट मे बी, जो भी हो, मैं उस आदमी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे काम दिया। माशूक फ्लॉप होने के बाद भी उसमें उसको लगा कि नहीं, ये लड़का डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। उन्होंने मेरे साथ एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था मेरी आंध। अब वो पिक्चर नहीं चली, वो अलग बात है, मगर उस आदमी ने मुझे एक और चांस दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बहुत लोगों ने उल्टे सीधे बातें की कि मत करो, ये करो, वो करो, ठीक से पिक्चर नहीं बनाएगा, मगर गिव द क्रेडिट टू द मैन दैट उसने, यार आप फ्लॉप होने के बाद भी उसने कहा नहीं, यही मेरा पिक्चर का हीरो होने वाला है, और पिक्चर बनाए। और पिक्चर बनाना एक बात होती है और रिलीज करना दूसरी बात होती है। आफ्टर मेकिंग द मूवी द सेकेंड बैटल फॉर अ प्रोड्यूसर इज टू रिलीज द मूवी। तो ही मैनेज टू फाइट दैट बैटल एंड ही रिलीज दैट मूवी वट एवर इट मे बी। क्या ये वजह नहीं होगी कि मे बी यू हैव चार्ज हिम लेस, ऐसा कुछ है? सी, फ्लॉप हीरोज यू गेट डायमंड डजन। देर आर पीपल हु विल प्रॉब्ली गिव हिम मनी टू मेक अ मूवी, ऐसे भी लोग हैं। तो यू गॉट गॉन टू देम ऑल्सो, आई डेंट गिव एनी मनी टू मेक अ मूवी विथ मी, ही गेव मी मनी टू वर्क इन हिज मूवी। मेरी फैमिली भी स्टूड बाय मी, इन फैक्ट माई होल फैमिली स्टूड बाय मी, बट मोर सो माई वाइफ। You didn't quit नहीं किया ना इंडस्ट्री से? सच्ची बात तो ये है कि मैं सलामी के रिलीज तक ठहरा हुआ था। मैंने अपने ऑप्शंस क्लियर कर लिए थे कि अगर सलामी नहीं चलेगी तो देयर वाज अ जॉब वेटिंग फॉर मी। कहाँ? देयर इज अ फ्रेंड ऑफ द फैमिली हु ऑफर्ड मी अ जॉब एंड ही सेड आफ्टर बीइंग अ हीरो विल यू डू अ जॉब विद मी, लाइक आर यू रेडी टू डू अ डेस्क जॉब? आई सेड यू आर गोना पे मी, आई एम गोना डू अ जॉब, एनी जॉब यू गिव मी, आई वांट टू अर्न मनी, इट डजंट मेक अ डिफरेंस व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब इट इज, एज लॉन्ग एज इट्स डीसेंट आई डोंट माइंड वर्किंग। एब्रॉड? अब्रॉड। अच्छा, तो तब में बस सलामी। सलामी इज अ वेरी अनफॉरगेटेबल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को मैं इसलिए नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि इसमें जो मुश्किलात हम लोग ने फेस की वो सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा प्रोड्यूसर जानता है और चंद लोग। ये जो पिक्चर थी जब माशूक बन रही थी तो ये लॉन्च हुई थी पिक्चर, पहले इसका नाम था गुलफाम और इसमें संयुक्ता सिंह को साइन किया था और बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, मुहूर्त हुआ था अपने सेंटर होटल में, बैनर्स लग गए थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, अरे बाप रे क्या लॉन्च मिल रहा है मुझे। एंड देन भी हम लोग माशूक के एक आउटडोर पे गए जहाँ हम लोग ने माशूक के सारे गाने पिक्चराइज किए और गुलफाम के भी दो गाने पिक्चराइज किए थे, एक था वो चेहरा क्या देखते हो और दूसरा गाना था तुम्हें छेड़े हवा चंचल। उसके बाद वापस आए, फिर माशूक की शूटिंग चलती रही, माशूक का शूटिंग खत्म हो गया, बीच में गुलफाम इसलिए रुक गया था क्योंकि उसमें एक और हीरोइन की जरूरत थी तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको लें, तो उस वजह से काफी देर तक गुलफाम की कोई शूटिंग ही नहीं हुई। माशूक रिलीज हो गई, माशूक डिड नॉट, सो द पीपल हु आर बैकिंग अप दिस प्रोजेक्ट डिसाइडेड टू ड्रॉप दिस प्रोजेक्ट। एंड शाहरुख भाई लगे पड़े रहे कि भाई ये पिक्चर तो मैं किसी हाल में भी बनाऊंगा, चाहे घर भी बेचना हो मगर मैं जरूर ये पिक्चर बनाऊंगा। एंड बहुत कोशिश करने के बाद कम से कम साल भर के बाद ये प्रोजेक्ट वापस रिवाइव हुई। हाँ जी, तो साल भर के बाद ये पिक्चर रिवाइव हुई और द रेस्ट ऑफ हिस्ट्री, इट डिड, इट वाज मेड विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, अ लॉट ऑफ सेटबैक्स, फिर भी प्रोड्यूसर ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने पिक्चर कंप्लीट की
रिलीज हुई, सबके करियर इस पिक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, मेरा करियर, मेरा प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का करियर, नई दो नई लड़कियां थीं और सबकी मेहनत सफल होगी। उसके बाद कौन से फिल्म साइन किया? उसके बाद मैंने सलीम साहब की गुलाम, मार्कस जेवियर साहब की सामना, प्रकाश झा की मृत्युदंड, पार्थो घोष साहब की एक के पीछे एक, प्राणलाल मेहता की जियोशान से, इकबाल दुरानी की हिंदुस्तान, शाहरुख भाई की एक और जो कंप्लीट हो गई जिसका नाम है संजय, और कई और पिक्चर। संजय के बारे में बताइए। संजय हम लोग तब प्लानिंग कर रहे थे जब सलामी की शूटिंग फिर से शुरू हुई। हम लोग सोच रहे थे कि अगर ये पिक्चर सलामी अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर दूसरी पिक्चर कौन सी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टोरी हम लोग ने तब प्लान की थी। एंड संजय इज अबाउट सलामी की जो कहानी थी वो एक ऑफिसर की कमजोरी और ताकत की कहानी थी, उसकी कमजोरियां उसकी ताकत की कहानी थी। संजय जो है वो एक आम इंसान की कमजोरियां और ताकत की कहानी है। ये जो हीरो है, जो नॉर्मल गुडी गुडी हीरो होता है वो हीरो नहीं है। ये नहीं कि बस सत्यवादी है और सच के लिए जीता है सच के लिए मरेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो नॉर्मल कैरेक्टर है, वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, प्यार भी करता है, कभी अच्छा भी है कभी बुरा भी है। इट इज अ वेरी नॉर्मल कैरेक्टर। जैसे ये जो फैमिली है ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। बाप जो है हवलदार था, बड़ा भाई जो है इंस्पेक्टर बना है, सब इंस्पेक्टर है, बेटा उसका जो छोटा भाई है जो मैं प्ले कर रहा हूँ कॉलेज में पढ़ता है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जाहिर है कि ज्यादा पैसे कॉलेज में खर्च करने के लिए नहीं मिलते हैं। तो जैसे ये फैमिली बाहर खाने जाती है, आइसक्रीम खाने जाती है, जब घूमने जाती है तो बड़ा भाई सबको आइसक्रीम खिलाने जाता है तो टिप छोड़ देता है, तो छोटा भाई टिप चोरी कर लेता है, कॉलेज के खर्चे में काम आ जाएगा। जैसे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है डीसीपी की बेटी होती है, ये सब इंस्पेक्टर का भाई है, तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है तुम्हारा बाप तो डीसीपी है, उससे कहो कि मेरे भाई का प्रमोशन करवा दे, शादी करके तुम्हें इसी घर में आना है, ज्यादा पैसा कमाएगा, मेरे को मोटरसाइकिल मिलेगा, हमको घूमने को तो आएगा मोटरसाइकिल, सोचो जरा इस फैमिली के ही बेहतरी के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए। तो बोलती हाँ करेक्ट बात करती हो। तो इट अ वेरी नाइस कैरेक्टर, इट्स अ वेरी ह्यूमन कैरेक्टर। द गर्ल ऑपोजिट यू, हर नेम इज साक्षी, शी इज डूइंग अ फिल्म विद शाहरुख भाई एंड इज ऑल्सो डूइंग अ फिल्म विद तारिक भाई, जन्म कुंडली, एंड शी इज इन दिस मूवी टू। अच्छा, तुम्हारे एक्टिंग को इसमें संजय और सलामी में बहुत फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। सलामी जो है एक अपराइट ऑफिसर की कहानी है, ये एक डाउनराइट सिविलियन की कहानी है। नो, मेरे एक्टिंग इज कंसर्न, कितना हद तक इम्प्रूवमेंट और ये तो आई कैनॉट डिसाइड, आई थिंक द ऑडियंस शुड डिसाइड। एज फार एज आई एम कंसर्नड देर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट बट नॉट सच ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट वट आईड लाइक इट टू बी, बट आई एम स्टिल वर्किंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपने आप को और भी जिस एस्पेक्ट्स में मेरी एक्टिंग की काबिलियत कम है उसको अपग्रेड करूँ, सीखूँ थोड़ा, और सीख रहा हूँ अभी तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह सीख गया हूँ एक्टिंग, अभी तक सीख रहा हूँ।